पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश के दौरान भारी संख्या में लोगों के जिले से पहुंचने का निर्णय लिया गया। चौमुखा पुलिस स्थित कार्यालय पर हुई बैठक में राष्ट्रीय सचिव और प्रभारी तौकीर आलम ने भारत जोड़ो यात्रा के आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला और महानगर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद लोनी बॉर्डर से प्रवेश करेगी में भारी संख्या में पहुंचे। महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने भी कार्यकर्ताओं से इसे सफल बनाने की अपील की। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा, असद मौलाई, मोहम्मद शमी, शिवराज सिंह गुर्जर, हाजी रिजवान कुरैशी, श्याम बाबू वाल्मीकि, मोहम्मद सदान, अनमोल गुप्ता, डॉक्टर मोहम्मद जमाल के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा ने की। आगे भी अभी बरेली का प्रोग्राम लगा हुआ है, उसके आगे बधाई हूँ। ऐसे दूर अभी कई जिले हमें जाना है तौकीर भाई को, तो वक्त तो वैसे बहुत है तौकीर भाई। मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप जिस मकसद से यहाँ पे आए वो मकसद हमारा पूरा करना है, तो जो तफसील आप बताते चाहते हैं हमें, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी देना चाहते हैं, हमें कैसे जाना है, कैसे आना है और वहाँ कहाँ शरीक होना है, ये सब बातें आप जैसे हमें संबोधन करके बताएं। भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में आगामी 3 जनवरी को लोनी बॉर्डर गाजियाबाद से जो है आ रही है, और उसी की तैयारी को लेके उत्तर प्रदेश में के कोने कोने में कांग्रेस के कार्यकर्ता, आम आवाम सब लोग उत्साहित हैं। तो बड़ी संख्या में यहाँ से लोग जाएँ और जन जन तक बात जाए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी किसानों की बात कर रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी गरीब मजदूर की बात कर रहे हैं, महंगाई जो चरम सीमा पार कर गई उसकी बात कर रहे हैं, नौजवान जो बेरोज़गार हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये उन तमाम जो सेक्टर है, ऐसे लोग चाहे कलाकार हों, चाहे फनकार हों, चाहे अलग अलग किस्म के लोग हों, जो मीडियम सेक्टर के जो थे वो लोग भी कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, परेशान हैं, जो बिजनेसमैन थे। तो इन तमाम को लेके लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी बातों को उठा रहे हैं। 3 तारीख को बहुत ऐतिहासिक जो है यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू होगी, उत्तर प्रदेश के लोनी बॉर्डर से। तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से, हर जगह के लोगों से। आज मुरादाबाद मीटिंग है, कल बरेली मीटिंग है, लगातार मीटिंग है, अलग अलग जोन के प्रभारी मीटिंग कर रहे हैं। आह्वान करना चाहेंगे कि लाखों की तादाद में पहुँचें, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये देश के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। 2800 किलोमीटर राहुल गांधी जी खुद पैदल चल करके कन्याकुमारी से दिल्ली पहुंचे हैं, और दिल्ली में जिस तरह स्वागत हुआ, जिस तरह से लोग उनके साथ जुड़े, और दिन ब दिन ये कारवां बढ़ते जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी यकीनन वो देखने को मिलेगा। जो दिल्ली में जो कहीं ना कहीं समापन हुआ लाल किले में, आपने उनका भाषण भी सुने होंगे, किस तरह से ये भाजपा के लोग पकेटमारी का काम कर रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के माध्यम से अलग अलग इश्यूज को एजेंडा बना के चलाते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।